रिलायंस ने किया बर्बाद, 100 पॉइंट नीचे। निफ्टी का जो 100 पॉइंट आज जो देख रहे हैं नीचे, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ है। निफ्टी का 100 पॉइंट नीचे रिलायंस ने कर दिया निफ्टी को आज बर्बाद, और जोमैटो ने कर दिया रिटेलर को कंगाल। चलिए दोस्तों, कैसे निफ्टी 50 का लो लेवल आपको आज देखना था, और रिलायंस के चलते आज 100 पॉइंट नीचे 2425 का जो निफ्टी था 2403 के निचले स्तर पे आया, और अभी 22-23 पॉइंट ऊपर रिकवरी कर लिया दोस्तों। तो ये है 80 पॉइंट के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी को बर्बाद करने वाला, निफ्टी की लेवल को नीचे ले जाने वाला आज कर दिया सबसे बड़ा नुकसान, और इसमें कर दिया सबसे बड़ा ट्रेडर को नुकसान जिसने कॉल लेकर रखा था दोस्तों। और जोमैटो ने 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप नीचे कर दिया, क्योंकि ये तो एक साल की जो इनकी टर्म कंडीशन और ठेकेदारी थी कि लोगों को अब आएगा मजा जोमैटो को ख़रीदारी करने में। अभी थोड़ा सा रुकिए और देखते हैं कि बुधवार को कितना बड़ा भयंकर गिरावट होने वाली है दोस्तों। बुधवार की भारी गिरावट का संकेत विदेशी बाज़ारों से अभी अभी आई, और आज रिलायंस ने निफ्टी 50 को कर दिया बर्बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जोमैटो पे हमारी नज़र है, ज़बरदस्त खरीदारी करके और फिर इसको कमाई करने का मौका मिलेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, अभी 1.5 घंटे बाकी है, और 1.5 घंटे में क्या अभी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक आज करने वाला है। बुधवार की तमाशा अभी बाकी है दोस्तों। तो बुधवार को भारी गिरावट की संभावना है विदेशी बाज़ारों से आ रही है बहुत बड़ी खबर, और आज निफ्टी को बर्बाद करने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 पॉइंट जो निफ्टी आज देख रहे हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की देन है, और जोमैटो ने रिटेलर को कर दिया बर्बाद। और जोमैटो का जो IPO आया था एक साल पहले, उसी समय हमने एडवाइस किया था जल्दी बेचकर भागो, नहीं तो ये अंगूर खट्टे हैं। जी दोस्तों, लमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं दोस्तों। और ये निफ्टी 50 किसके कारण आज 100 पॉइंट गिरा, आज हमारी मुंह से सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज नीचे जाने के कारण 88,00,000 वैल्यूम जो है आज देखने को मिला गिरावट में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।